हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स यूट्यूब चैनल मोमिना मैथ क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हायर मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा चल रहा है रीमान समाकलन। आज हम रीमान समाकलन की डरबोक सम पर आधारित फोर्थ थ्योरम या थ्योरम्स के फोर्थ पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। आज हमारा थ्योरम नंबर है 1.4, जो किस पे आधारित है, डरबोक सम, लोअर एफ पी निम्न डार्बू योग और अपर एफ पी ऊपरी डार्बू योग पर आधारित है। तो सबसे पहले हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, यदि दो फलन एफ तथा जी एक समृद्ध अंतराल एपी पर परिभाषित परिसीमित और वास्तविक फलन है, तब समृद्ध अंतराल एपी का विभाजन पी हो तो सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, दो कंडीशन प्रूव करनी है। मैं स्टेटमेंट आपको फिर वो कर दूंगी रिपीट। यहाँ पे पहला प्रूव करना है लोअर एफ प्लस जी पार्टीशन पी लेस देन इक्वल, या लोअर एफ पी तो है ग्रेटर देन इक्वल लोअर एफ पी प्लस जी लोअर जी पी, लोअर जी पी पहला प्रूव करना स्टूडेंट्स ये वाला। सेकंड प्रूव करना स्टूडेंट्स बी है अपर एफ प्लस जी और पी लेस देन इक्वल अपर एफ पी प्लस अपर जी पी, ये प्रूव करनी है स्टूडेंट्स दो कंडीशन। फिर थ्योरम का स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रही हूँ कि दो फलन एफ तथा जी संवृत अंतराल एपी में परिभाषित परिसीमित और वास्तविक फलन है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे वास्तविक फलन है जिनमें एपी का पार्टीशन पी है, तो सिद्ध करनी है ये कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या मानेंगे, क्योंकि एफ तथा जी एक्स बिलोंग्स टू एपी पर परिभाषित परिसीमित, परिसीमित का मतलब बाउंडेड, परिभाषित परिसीमित एवं वास्तविक फलन है, वास्तविक फलन है, ठीक है स्टूडेंट, वास्तविक फलन है। आगे तथा पार्टीशन ऑफ ए बी एग्जिस्ट है, विद्यमान है स्टूडेंट, एग्जिस्ट है। अब क्या माने स्टूडेंट, मानना कि फलन फलन एफ तथा जी के उचक तथा निम्न क्रमश ये वाले हैं और एफ प्लस जी के भी उचक और निम्न हमें माननी पड़ेगी। क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, मानना फलनों के ए बी पर उचक तथा निम्न प्रकार परिभाषित है, ठीक है स्टूडेंट। उच्चक और निम्नक डिफाइन होंगे, पार्टीशन ऑफ ए बी बराबर हमारा होगा, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, पार्टीशन ऑफ ए बी ए बराबर हमने ले लिया एक्स नॉट एक्स वन, दिखाना पड़ेगा पार्टीशन एक्स आर माइनस वन एक्स आर सो वन एक्स एन इक्वल टू बी, ये हमारा पार्टीशन हो गया। आर वन अंतराल चूज करेंगे, फिर दोबारा फलन जी के लिए हो गया ये पार्टीशन, फिर फलन किसके लिए होगा हमारा, फलन ने जी के लिए भी हमारा पार्टीशन होगा, एफ के लिए पार्टीशन होगा, दोनों के लिए अलग अलग पार्टीशन होगा। तो यहाँ से क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने मान लिया एफ तथा जी के एक्स बिलोंग्स टू ए बी में उच्चक तथा निम्नक कर्मशय क्या स्टूडेंट्स, एफ और जी के एक्स बिलोंग्स टू ए बी में उच्चक और निम्न कर्मशय, एफ का उच्चक तो हमने मान लिया, उच्चक और निम्नक एफ का मान लिया हमने एम आर और जी का मान लिया एम आर डैश, एफ का मान लिया एम आर उच्चक और जी का मान लिया एम आर डैश इस पार्टीशन में, तथा निम्नक हो जाएंगे स्टूडेंट्स, निम्नक हो गए कर्मशय स्मॉल एम आर और स्मॉल एम आर डैश है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला मान लिया कर्मशय, ये उसकी उच्चक और निम्नक है। अब हमें क्या मानना पड़ेगा, कंबाइंड फंक्शन का भी उच्चक और निम्नक मानना पड़ेगा। अब क्या मान लिया, तथा संयुक्त फलन एफ प्लस जी का एक्स बिलोंग्स टू ए बी में उच्चक तथा निम्नक क्या स्टूडेंट, उच्चक तथा निम्नक एम कैपिटल एम और स्मॉल एम है, ये मान लिया स्टूडेंट्स। प्रत्येक फलन के उच्चक और निम्नक के लिए कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, एफ और जी के, यहाँ पे पहले फलन क्योंकि एफ जी तथा एफ प्लस
जी के लिए निम्न स्थितियां होगी, निम्न स्थितियां होगी। उच्चक और निम्नक का मतलब क्या फ्रेंड्स, कि कोई भी फलन हमें दे रखा है उसका जो मान है निम्नक से तो बड़ा और बराबर होगा, परंतु उच्चक से छोटा और बराबर। सबसे बड़ा मान उच्चक, सबसे छोटा मान निम्नक, उन दोनों पॉइंटों के बीच में उस फंक्शन का मान क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा, बंधा हुआ रहेगा। इसका मतलब है कि ये वाला अगर हमारे पास किसका उच्चक है, ये तो है हमारे पास स्मॉल एम आर और ये वाला कैपिटल एम आर। ये फलन क्या स्टूडेंट्स, एफ एक्स है। एफ एक्स का जो मान है वो यहां से लेके यहां तक ही रहेगा, तो यहाँ पे कंडीशन आएगी पहली एम आर क्या आएगी स्टूडेंट्स, स्मॉल एम आर से तो बड़ा और बराबर एफ एक्स का मान, परंतु छोटा और बराबर कैपिटल एम आर, ये कंडीशन रहेगी। सेम कंडीशन किसके लिए रहेगी स्टूडेंट्स, सेम कंडीशन रहेगी तीनों फलनों के लिए। तो इसके लिए कंडीशन आ जाएगी स्मॉल एम आर से तो बड़ा और बराबर एफ एक्स का मान, और छोटा और बराबर रहेगा कैपिटल एम आर से, पहली कंडीशन होगी फलन के लिए। दूसरी कंडीशन किसके लिए, जी के लिए। जी के लिए क्या रहेगी, ये मान लिया स्मॉल एम आर डैस और कैपिटल एम आर डैस। फलन क्या है हमारा, जी एक्स है, वो डिफाइन परिभाषित परिसीमित और वास्तविक फलन है। तो इसका मतलब है क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से कंडीशन रहेगी जी एक्स के लिए निम्नक से तो बड़ा और बराबर होगा इसका मान, परंतु छोटा और बराबर होगा उच्चक से, रहती है कंडीशन स्टूडेंट्स। वही फलन थर्ड फंक्शन कंबाइंड संयुक्त फलन है हमारा एफ प्लस जी है। तो इंटरवल का पार्टीशन है, इंटरवल में ये इसके उच्चक और निम्नक, बड़ा ये अंतराल है हमारा, इसमें ये वाला क्या है इसके उच्चक और निम्नक है, तो यहाँ पे स्मॉल एम इधर है कैपिटल एम, फलन है एफ प्लस जी एक्स है स्टूडेंट, वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ये कंडीशंस जब हमने हायर कैलकुलस स्टार्ट किया था तब हमने देखी थी, उच्चक और निम्नक पढ़े थे, वहां पे भी ये कंडीशंस क्या थी स्टूडेंट देखी थी। तो स्मॉल एम से बड़ा और बराबर एफ प्लस जी इंटू एक्स का मान लेस देन इक्वल होगा कैपिटल एम से। तो केस फर्स्ट में क्या ले लेंगे स्टूडेंट, दो कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ से। हमने ले लिया केस फर्स्ट, पहले क्या ले लिया निम्नक के लिए, किसके लिए फॉर इनफिमम, फॉर इनफिमम ठीक है स्टूडेंट। अगर एफ और जी परिभाषित फलन है तो इसका मतलब उनका संयुक्त फलन भी परिभाषित होगा, और फलनों के गुणधर्म हमने कंटिन्यूटी में, लिमिट में, डिफरेंशिएबिलिटी में देखे हैं। देखिए स्टूडेंट्स कि एफ प्लस जी जो है वो एफ जी के बराबर और संयुक्त फलन के बराबर होता है ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर इनफिमम देख रहे हैं, इनफिमम के लिए पहली कंडीशन एफ की ये वाली है, जी की ये वाली है, और एफ प्लस जी की कंडीशन है ये वाली। जो कंडीशन हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो हम यहाँ से चूज करेंगे। तो केस फर्स्ट ले लिया फॉर इनफिमम, पहले एफ एक्स के लिए कि एफ एक्स का जो मान है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन का इक्वल का साइन है स्मॉल एम आर ठीक है स्टूडेंट। ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी फर्स्ट, तथा स्मॉल एम आर डैस से जी एक्स का जो मान है वो क्या स्टूडेंट, जी एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल है किससे, स्मॉल एम आर डैस, तथा इक्वेशन नंबर हो गई है टू, तथा एफ प्लस जी और एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल है स्मॉल एम से। समीकरण दो तथा तीन को जोड़ देंगे स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब एलएचएस में एलएचएस ऐड होगा और आरएचएस में आरएचएस ऐड होगा। तो समीकरण दो प्लस समीकरण एक प्लस दो से, एक प्लस दो से एक और दो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से एक और दो को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा एलएचएस में एलएचएस ऐड होगा, ये एलएचएस ये आरएचएस ये एलएचएस ये आरएचएस, तो यहाँ से एफ एक्स प्लस जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, जो इनइक्वालिटी है वो लग जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल सेम है, इधर आएगा स्मॉल एम आर प्लस स्मॉल एम आर डैश आएगा स्टूडेंट्स। ये क्या है, दोनों फंक्शन परिभाषित है तो संयुक्त रूप से भी परिभाषित है स्टूडेंट्स। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं एफ प्लस जी इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल स्मॉल एम आर प्लस स्मॉल एम आर डैश, यहां से कंडीशन एफ प्लस जी एक्स इक्वल भी है कैपिटल एम के और बड़ा भी है, तो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो लेंगे यहां से, तो इसका मान हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल एम रख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां से इसका मान, तो यहां से स्मॉल एम रख लिया इसका मान, क्योंकि इसके बराबर भी और इससे बड़ा भी, तो इसकी वैल्यू हमने स्मॉल एम रख ली, ग्रेटर देन इक्वल स्मॉल एम आर प्लस स्मॉल एम आर डैश। अब डेल आर से गुणा कर लेंगे, डेल आर स्मॉल एम, जिसके ऊपर उच्चक और निम्नक होता है उसी के अकॉर्डिंग लोअर एफ पी और अपर एफ पी हमारा बनता है ठीक है स्टूडेंट्स। तो डेल आर स्मॉल एम,
ग्रेटर देन इक्वल डेल आर स्मॉल एम आर प्लस डेल आर स्मॉल एम आर डैश। अब क्या लगा लेंगे, समेशन आर इक्वल टू वन से एन स्मॉल एम डेल आर ग्रेटर देन इक्वल लेस आर इक्वल टू वन से एन डेल आर स्मॉल एम आर प्लस आर इक्वल टू वन से एन डेल आर स्मॉल एम आर डैश। ये बन गई फलन कंबाइंड फंक्शन का, ये है निम्नक f प्लस जी के लिए लोअर fp की डेफिनेशन, और ये वाली बन गई f के लिए लोअर fp की डेफिनेशन, और ये बन गई किसके लिए स्टूडेंट, ये बन गई g के लिए लोअर fp की डेफिनेशन। तो ये हो जाएगा हमारा लोअर f प्लस जी और f प्लस जी और p, पार्टीशन p है ग्रेटर देन इक्वल ये किसके है स्टूडेंट्स, फलन के लिए। तो लोअर f और p, लोअर fp की डेफिनेशन बन गई ये फलन f के लिए, और आगे वाली है लोअर gp, यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स फर्स्ट केस फर्स्ट में, फर्स्ट कंडीशन होगी। अब सेकंड में क्या करना है, सेकंड में स्टूडेंट्स हमें कंडीशन लेनी है उच्चक वाली। अब हमने निम्नक वाली कंडीशन ली है, यहाँ पे पहला प्रूव हो गया, अब हम उच्चक वाली कंडीशन लेंगे। सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग बहुत इजी थ्योरम है, आई हुई भी है योग पर आधारित, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या ले लेंगे स्टूडेंट, यहाँ से उच्चक वाली कंडीशन ले लेंगे आपकी बार, ये वाली इधर से ये वाली और इधर से ये उच्चक वाली कंडीशन चूज कर लेंगे, यहाँ पे ये उच्चक वाली कंडीशन ये चूज करेंगे यहाँ से। तो एफ एक्स का जो मान है वो लेस देन इक्वल है स्मॉल कैपिटल एम आर, स्मीकर नंबर आगे तीन तक आ रहा है ये चार हो गया। जी एक्स का जो मान है वो लेस देन इक्वल है स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर डैश, और ये होगी पांच नंबर। तथा एफ प्लस जी इंटू एक्स का जो मान है वो लेस देन इक्वल है स्टूडेंट्स कैपिटल एम सी, ये हो गया हमारा छह नंबर। वो एड कर लेंगे इन दोनों को, एल एच एस में एल एच एस एड होगा और आर एच एस में आर एच एस एड होगा, होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से एफ एक्स प्लस जी एक्स लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर प्लस कैपिटल एम आर, सेम कंडीशन है, कंबाइंड रूप से भी परिभाषित होगा। तो एफ प्लस जी इंटू एक्स लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर और कैपिटल एम आर डैश, इसका जो मान है वो किसके बराबर है, बड़ा और बराबर, छोटा और बराबर है कैपिटल एम के, तो हमें कैपिटल एम चाहिए तो कैपिटल एम पुट कर लेंगे। लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर प्लस कैपिटल एम आर डैश, डेल आर का गुणा कर लेंगे, डेल आर कैपिटल एम लेस डेल आर कैपिटल एम आर प्लस डेल आर कैपिटल एम आर डैश। अब वो समेशन लगा लेंगे, समेशन लगाते ही क्या बन जाएगा, अपर एफ पी की परिभाषा, क्योंकि कैपिटल एम है उच्चक है, ये अपर एफ पी की डेफिनेशन फलन एफ पर, ये फलन जी पर। तो यहां से बन जाएगा अपर एफ प्लस जी और पी लेस देन इक्वल अपर एफ पी प्लस अपर जी पी, ये बन गया स्टूडेंट्स। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, बस कंडीशन काम में आती है उच्चक और निम्नक वाली। उच्चक और निम्नक हमने बार बार पढ़े हैं हायर कैलकुलस जब से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम डार्बू थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।